गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और मैं उठ गया हूँ और अभी हो रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं अभी। तो अभी उठना थोड़ा सा लेट हो गया आज, क्योंकि रात को जैसे बताया था कि बैडमिंटन खेलते खेलते लेट हो गया था, उसके बाद सोते सोते और एडिटिंग करते हुए थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसलिए अभी मॉर्निंग में उठने में थोड़ा सा डिले कर दिया आज। तो चलिए अपना डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। अभी अपना फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बना होगा। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। तो भैया हो गए ना आगे रेडी ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट में बना है आज क्या बना है? बना क्या? तुम तो खाने भी लग गए हो। तुम लेकर आते हो फालतू का। तो चलिए हम भी ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट में बना है भिंडी। तो ये रही भिंडी की सब्जी, और साथ में है दही और पिसावा नून, पहाड़ी नून, ठीक है। और साथ में चाय भी है। चाय तो मैंने बनाई है। अरे चाय मैंने बनाई है, बहुत टेस्टी चाय बनाता हूँ मैं। तो करते हैं फिर आज ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हमने काफ़ी पहले कर दिया था, तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, ऑफिस का काम भी साइड से चल रहा है। तो देख सकते हैं वैसे आप यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। पीछे गर्मी आप कैसे देखेंगे, पीछे धूप दिख रही होगी आपको। तो मैं यहाँ से आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए कितनी धूप। ये तो भैया स्टाइल है अपना पहाड़ी स्टाइल की। भैया सर्दियाँ जाएंगी तो सारी चीज़ें सूखेंगी सूखेंगी, इन्हें सुखा के फिर हम अपने बेड में पैक कर देंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर जब सीज़न आएगा सर्दियों का दोबारा से निकलेंगी। तो अभी एक पंगा हो गया यहाँ पे, जो अपनी सर्वेंट रूम वाली बालकनी है उसमें देखिए थोड़ा सीपेज का इशू आ गया है। यार ये बड़ा परेशान हो गए हम। ये देखो भाई साहब, पूरा मतलब यहाँ से ये शाफ्ट वाला एरिया है, तो इसमें पूरा ये सीमेंट बोर्ड ही कहते हैं इसको, तो सीमेंट बोर्ड लगवाया हमने इस पर, तो ये पूरा भीग गया है। और कहीं शाफ्ट में कोई लीकेज हो रहा, ऊपर देखिए बालकनी की सीलिंग में यहाँ पर जो है पूरा सीपेज आ गया है और यहाँ तक चला गया पूरा। ये देखिए, मतलब इस टाइप के इश्यूज़ आते रहते हैं। अभी फ्लैट जो है नया ही है, हैंडओवर भी हमने जो इसका लिया है वो दिसंबर में लिया हुआ है, तो इस टाइप के इश्यूज़ काफ़ी ऑब्जर्व किए अभी हम। जब घर जब भी जाते हैं और आते हैं तो देखते हैं कि एक बालकनी में सीपेज है, कभी दूसरी बालकनी में सीपेज है, तो इसकी कंप्लेंट हमने करी है, देखते हैं कोई सॉल्यूशन निकलता है इसका। तो अभी फ़िलहाल अभी थोड़ी देर पहले आए थे और कहीं कोई लीकेज है बता रहे थे, उस पर कुछ काम हम कर रहे थे, तो देखते हैं अगर कोई सॉल्यूशन होता तो। अभी तो पता चलेगा नहीं, जब वो जो भी सीलन से जो भी एरिया ख़राब हुआ जब तक सूखेगा नहीं तब तक हमें पता चलेगा नहीं, तो देखते हैं हमें कोई सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इवनिंग वॉक पे यहाँ निकले हुए हैं और सोसाइटी के बाहर का जो चक्कर है वो लगा रहे हैं हम। कितने किलोमीटर का होगा लगभग चक्कर है? थोड़ा तेज बोलो यार। 3 किलोमीटर का ये पूरा राउंड है जो कि हमें कवर करना है, जिसमें से अभी कितना हो गया देखिए भैया अपने स्मार्ट वॉच में, अपनी 1.99। तो पूरा तो मारे पूरा राउंड थोड़ी मारेंगे, वो तो यहाँ पे मार्केट आ जाएगी। तो मार्केट आ जाएगी और सामने मैं दिखाता हूँ आपको, पूरी सीधी रोड है वो देखिए, ऐसी एक पार्ट हम इधर की साइड से जो है वो कवर करके आ गए हैं, और सामने से ये सीधी रोड है इसका, जहाँ पे एंड होगा उसके बाद मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी उधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो ये एडोबे कंपनी है, और प्लस इधर ये ATS की बिल्डिंग्स हैं इधर। और बाकी रोड पे गाड़ियों की चहल पहल हो रही है पूरा। तो कैसा लग रहा है फिर आपको वॉक करके? आज मेरे हिसाब से थोड़ा मौसम और दिन के कंपेरिजन काफ़ी ठंडा है, हवा चल रही है, और मुझे आसार लग रहे हैं कि बैडमिंटन का गेम आज का ख़राब हो सकता है, जिससे कि मैडम बहुत खुश होंगी। क्यों बहुत ज़्यादा खुशी होगी ना इस चीज़ को लेकर? चलो बढ़िया है, ठीक है। तो देखते हैं अभी अपने जो ग्रुप के बंदे हैं उनसे हम कॉल ऑल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भैया खेलने आ रहे नहीं आ रहे, अगर इंडोर का अगर कुछ बनेगा प्लान तो उसका देखेंगे, इंडोर अगर जाने का बनता है तो। बाकी देखते हैं, फिलहाल वॉक करते हैं। और ऐसे ही हम वॉक कर रहे थे इधर को, तो ये देखिए इधर को ये फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो कौन से फ्लावर होते हैं? बोगनविला फ्लावर है ये, जो कि काफ़ी सही लगते हैं। और इधर अंदर की साइड से निकलेंगे हम, आओ।
पता नहीं उजाले में कैसा दिखेगा, थोड़ा सा उजाला कह रहा हूँ, अंधेरे में जाने कैसा दिखेगा। अभी इसका कलर हल्का थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, अभी इसमें वीडियो में थोड़ा अलग लग रहा मुझे। हम चल रहे हैं फूलों के बगल में, ये थोड़ा सा अलग सा कलर यहाँ पे दिखा हमें, और ये पूरे ऐसे साइड में ऐसे जो है पूरे फ्लावर्स हैं यहाँ पे, सोसाइटी की बाउंड्री है उसके आसपास। और मैडम का यहाँ पे लास्ट में बोलना था कि इन्हें यहाँ फोटोशूट भी करवाना है, क्यों तो फोटोशूट करवाना है तो कभी यहाँ, अब तो गर्मी हो गई है, अगर थोड़ा सा अगर हमें थोड़ा पहले अगर इन्होंने बोला होता, होली से पहले अगर बोला होता तो हम यहाँ पर फोटोशूट कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं, किसी दिन अगर बनेगा प्लान उसका देखेंगे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी अगर टाइम मिलता है हमें तो हम ट्राई करेंगे इधर की साइड थोड़ा सा अगर फोटोशूट हो पाए तो। बाकी इधर पूरी लाइन में भी फ्लावर्स चलते जा रहे हैं। तो अभी हमने अपनी वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट कर ली है, जो स्ट्रेट मैंने सीधा आपको दिखाया था, और अभी हम मार्केट की तरफ को एंटर कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, और इधर एक पेट्रोल पंप भी है उधर की साइड। ये दोनों लड़ने को तैयार हो रहे हैं भाई, लड़ लिए हैं, थोड़ा बहुत लड़ लिए हैं, अभी हम वो कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन अभी थोड़ी देर जैसे हमने एंट्री करी तो भैया बड़ा गजब की लड़ाई हो रही थी इनके बीच में। तो अभी हम मार्केट की साइड आ गए हैं, इधर को पूरा मार्केट है, अभी आज तो अभी इतना अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन जो संडे मार्केट है यहीं पर लगता है पूरा। गन्ने के जूस के दिन भी आ गए भैया, फिर देखिए भैया बुर्राटा मार रहे हैं दोनों भैया, क्रेडिट दे दो अंडे की, अभी नहीं कितना बता, 140 बता अंडे के रेट, 80 के रेट देख लेना अंकल जी, फूटे ना हो बस। क्या बोल रहा है, 130 लगा तो है, मतलब ये सही है, जब रेट कम होगा तो आप बता दोगे फोन करके हैं। जैसे अंडा पैक करने का चला आपका देखा मैंने, सही बड़ा है तो नॉर्मली ऐसे बात कर देते हैं बस, फिर आना पड़ेगा। तो भैया देखो यहाँ अंडा बड़ा सही तरीके से जो है पैक कर रहे हैं इसको, मारेंगे और उसके बाद पन्नी में डालेंगे इसको, पन्नी 400 पूरी सेफ्टी के साथ, 4 किलो दे दीजिए। दिखाने एक बार, नहीं यार वो मिंट वही है, पुदीना नहीं है यार, तुम किसी को बोलते हो यार, पता नहीं यहाँ जो है पुदीना मिलता ही नहीं है इधर, मिंट यार मिंट को ही पुदीना बोलते हैं, लेकिन पुदीना नॉर्मली जो हम लोग यहाँ होता है ना थोड़ा सा कुछ बोलते हैं यार, थोड़ा हार्ड सा पत्ता होता है उसका, ये बहुत डिफरेंट है, और इसकी थोड़ी सी अलग सी, जैसे पहले से आते नहीं तो पेपर मिंट आता था एक अलग से, तो वो चीज देखो मैं यहाँ पूछती हूँ। और अंडे कैरेट वो 180 बोला था और इसने 140 में दिया, बताओ 4 कदम की दूरी पर रेट में अंतर देखो, सीधे 40 रुपये का अंतर। कद्दू अरे हाँ यार, इनको पेटीएम नहीं होगा, ये बड़ा पंगा है, अंकल लोगों से लेने का मन तो करता है लेकिन एक्चुअली होता क्या, हम आते हैं तो कैश लेके नहीं आते हैं, और कैश लेके नहीं आते तो ये लोग जो है पेटीएम यूज़ करते नहीं हैं।
तो यहाँ छोटे से बच्चे हैं, बैडमिंटन जो हमारे साथ खेलते हैं भैया उनके बच्चे हैं, देखिए मिट्टी के साथ खेल रहे हैं। हाँ क्या कर रहे हो बताओ, ये मिट्टी निकाल के कहाँ ले जा रहे हो, इसको दिखाओ जरा कहाँ ले जा रहे हो, जल्दी चलो जल्दी चलो। हाँ तो इसको पूरा भर दोगे आज, नाम बताओ अपना, आपका नाम क्या है? तेजस। तेजस नाम है इनका। और ये यहाँ पे मिट्टी से खेल रहे हैं, ये देखो पानी भर दिया इन्होंने पूरा यहाँ पे। अरे यार तेजस, पापा कहाँ तुम्हारे? पापा चला गया। कहाँ गए? यहाँ पे का फोन के अंदर चले गए क्या? ठीक है पापा को फोन करके बोलो जल्दी से, संजय अंकल बुला रहे हैं और बैडमिंटन खेलेंगे। ठीक है मम्मी से बोलो, पापा को फोन करो, बोलो जल्दी जल्दी आओ बैडमिंटन खेलेंगे। ठीक है ओके ओके चलो। तो फ्रेंड्स घूम के आ गए हैं और मार्केट से थोड़ा बहुत जो सामान लेना था वो भी सामान ले लिया है हमने। तो अभी ये अंडे की कैरेट ली हुई है तो इसको हम रख देते हैं, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं सही से, सीधा कहाँ सही से है ना, तो ये हमने ऐसे यहाँ पे रख दिया। इसमें भी अलग अलग चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, मतलब अगर आप पता ना करो किसी से तो कोई भी चूना लगा दे आपको। हम गए और हमने एक जो बॉयल अंडे जो देते हैं वो एक ठेले पे हमने ऐसे पता करा, तो उनसे पूछा हमने भैया क्रेडिट कितने की थी, तो बोलते 180 रुपये की, 180 की। और वही चीज़ मैंने कैसी, मैंने कहा चलो आगे थोड़ा सा और आगे को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं और शॉप पे हैं भैया उनसे पूछ लेते हैं, तो वहाँ वही चीज़ मुझे 140 की मिली। तो मतलब देखिए चार कदम हम चल रहे हैं और उस पर भी 40 रुपये का मार्जिन मारने की कोशिश की जा रही है। सतर्क रहें सावधान रहें। तो बैडमिंटन खेल के आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा बैडमिंटन खेला और बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न की है, बहुत थक गए हैं, अब जाके नहाएंगे फ्रेश होंगे उसके बाद। तो फ्रेंड्स बैडमिंटन खेल के आ गए और काफ़ी देर बैडमिंटन खेलने के बाद हाथ पैर जवाब दे चुके हैं और आज बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न हुई है और खाना वाना हमने खा लिया है प्रॉपरली और अभी नहा के बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं और अब सोने की तैयारी। देखता हूँ मूड करेगा तो एडिटिंग कर लूँगा और नहीं तो डायरेक्ट हो जाएंगे एडिटिंग, कल मॉर्निंग में देख लेंगे। बाकी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।